जो वो क्या पिंकी बना दी है, पिंक पैंथर बना दी है। पहले करंट का टॉर्चर दिया, अभी हीट का टॉर्चर दिया जा रहा है। भाई बन जाइए, काट सकती है काट दीजिए आज नानी को। कहा है मेरा शोहर, बुलाओ उसको, उसको बताओ उसकी बीवी पे जुल्म किया जा रहा है यार। जी को मेरे हाथ इतने पसंद आ गए कि वो छोड़ ही नहीं रही है। लोती बीबी आपका इंतजार कर रही है। तुम कोई रिएक्शन नहीं दोगे? अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी मैं जा रही हूँ पार्लर, क्योंकि मेरे हस्बैंड की डिमांड पे, मेरा दिल नहीं था। उजैर ने बोला जाओ जाओ जाओ, छोटी ईद में भी तुम्हें बोला था पर तुम नहीं गई, तो भी बड़ी ईद में जाओ। तो मैंने कहा ठीक है चली जाते हैं, घर से भगाना चाहते हो तो भाग जाते हैं घर से। मैं रेडी हो चुकी हूँ, फातिमा भी यहाँ पे रेडी है, ये बस बिला वजह का साथ जा रही है, इसको कोई काम वाम नहीं है वहाँ पर, बस वहाँ पर बैठ के मुझे तंग करेगी। अब क्या करवाना है वो आप लोग को पार्लर में चल के बताती हूँ। नहीं करेंगी तंग? पक्का प्रॉमिस? अगर आपने तंग किया तो फिर मैं आपको घर भेज दूंगी बाबा को कॉल करके। ओके, आप यहाँ बैठ के क्या पूरे घर का मुआयना कर रहे हैं? नहीं, तुम्हें मैं नाम देती हूँ घर का कैमरामैन। कैमरामैन यहाँ पे बैठे हैं, जो भी आ रहे जा रहे हैं पूछ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं। चलोगे? चलोगे पार्लर? मैं पार्लर पहुँच चुकी हूँ। अच्छा, मैं हमेशा इसी पार्लर आती हूँ, मेरी शादी जब से हुई तब से लेके अब तक। वैसे पहली बात है पार्लर आती बहुत कम हूँ, लेकिन जब भी आती हूँ यहीं आती हूँ, तो हुमा जी के पास ही आती हूँ, यहीं से सेटिस्फाई हूँ। और मैं बस इन्हें कॉल की कि मैं आ रही हूँ, और मैंने डिसाइड भी नहीं किया मुझे करवाना क्या है, क्योंकि मुझे इतना यकीन है, इतना ट्रस्ट है कि मतलब जो भी अच्छा ही करेंगी, तो इसलिए यहीं पर आके अभी इन्हीं से पूछती हूँ मुझे क्या करवाना चाहिए और क्या नहीं करवाना चाहिए, जो सजेस्ट करेंगी वही करवा लूँगी। फातिमा ने मांग लिया है मुझसे मोबाइल, अब ये बैठ के अपना मोबाइल में वीडियोस देखती रहेंगी ताकि मुझे तंग नहीं करें। नहीं करेंगी ना तंग? घर से प्रॉमिस करके आई थी ना, और आप इतना कंफ्यूज क्यों हो गई हैं? देख लीजिए इसको बाहर आके कितना कंफ्यूज हो जाती है ये, जाइए जाके बैठ के देख लीजिए। हुआ बाजी ने तो मुझे बिल्ली बना दिया, कैट वाला हेयर बैंड लगा दिया मेरे बालों और सॉरी सर पे। अभी हाइड्रा करेंगे, अभी पहले हाइड्रा फेशियल बोला है मैंने करवाने के लिए, और मैनी पेडी करने के लिए बोला है। अब पहले क्या करेंगी, वैसे फिशर ही करेंगी तभी ये लगाया है ना। हाँ सही, भूत बनाकर मुझे बिठा दी है हुमा बाजी, पिंक पिंक मुझे वो क्या पिंकी बना दी है, पिंक पैंथर बना दी है। ये पिंक पैंथर की तरह सर पे ये लगा दी है, पिंक कलर का फेशियल वो जो भी ये लगा दी है, और पिंक पैंथर बना के मुझे बिठा दिया। अभी नींद आ रही है मुझे, मुझे सच में नींद आ रही है, अब मेरा दिल कर रहा है मैं सो जाऊँ। अब क्या करेंगी? अब हाइड्रा करूंगी, और हाइड्रा करेंगी तो अब तक क्या कर रही थी इतनी देर से? आप हाइड्रा से बोल रहा है, अभी जो है वो क्रीम वगैरह आ जाए तो काम। सही है, इसी वजह से ना मुझे पार्लर आना पसंद नहीं है। पार्लर आने में इतना टाइम लगता है, और इतनी बोरियत और इतनी सुस्ती होती है ना, सीरियसली यार मुझे ना ऐसा फील हो रहा है कि ना आप मेरे ना चेहरे को नोच नोच के कुछ बाहर निकाल रही है। इसी तरह तुमने वीडियो में देखा नहीं है कैसे करते हैं, अगर किसी का ब्लैक होता है फिर देखा। अच्छा, मुझे तो पूरा आप नहला दिए पानी सीरम सीरम से, सॉरी सीरम से पूरा नहला दिए। अब ये जो लगाई है ना नेक्स्ट, इससे ना मुझे लग रहा है कि मुझे करंट लगा कर मार डालेंगे। मुझे ऐसा फील हो रहा है। रियल नहीं बोल रही हूँ पर हाँ, मुझे बोल रही हूँ, नहीं रियल में बोल रही हूँ, तो ये चल जाएगा फिर। हाँ, हाँ मुझे करंट लगा के मारना चाहती है। नहीं ऐसा कुछ होता नहीं, वो पावर बना। अच्छा अच्छा, पहले करंट का टॉर्चर दिया, अब हीट का टॉर्चर दिया जा रहा है। अब इससे थोड़ा ये गर्म मुझे लग रहा है, लेकिन मेरे ना बोलने की वजह से हुमा बाजी बहुत कम रख रही है हर चीज़ का पावर, मुझे ज्यादा फील नहीं है। स्किन ड्राई है, हाँ मेरी स्किन ड्राई है और सेंसिटिव है, इसे ये भी डर रही है, और पावर थोड़ा कम ही रख रही है हर चीज़ का। नेचुरल स्किन बहुत अच्छी है, ब्लैक हेयर वाइट हेयर नहीं है, नेचुरल ही खूबसूरत हो तुम। अरे वाह, तुमको ग्लो की जरूरत है तो वो ऐसे ही हो जाए। तारीफ हो गई मेरी तो यार, माशाल्लाह वो प्यारी तो बोली। ये पार्लर वाली कम अभी मॉम लुक उसमें ज्यादा आ रही थी, तुम बना दी गंदी बच्ची। तरी से दिखा ये क्या कर रही है, ये कितना ठंडा लग रहा है। गन स्प्रे है ये, स्किन में पेनिट्रेट कर रही हूँ सीरम, ठंडा ठंडा लग रहा है। सीरम जा रहा है जिससे स्किन हाइड्रेट हो। अब मुझे जब भी गर्मी लगेगी ना मैं ये आ जाऊंगी यहाँ पे फेस पे करवाने के लिए।
सारी गर्मी खत्म हो जाएगी। फातिमा को यहाँ पर अपनी फ्रेंड्स मिल गई हैं। फातिमा उन लोग के साथ बैठकर यहाँ पे खा रही हैं, खेल रही हैं और उसको खिला भी रही है और मजे से माशाल्लाह से वो खा भी रही है। फातिमा से अभी दोस्ती हो गई इन लोगों में। आज आपने मुझे पकड़ लिया है। नहीं यार, ज्यादा मुझे अच्छा भी लगता है बनाना। साफ पता चल रहा है कि मैंने आईब्रो बनाई है। हाँ बस आज पकड़ लीजिए मुझे। आज जहाँ जहाँ से वो कसाई बन जाइए, काट सकती है काट दीजिए आज रानी को। रानी की खूबसूरती को इनहेंस कर रहे हैं बस। हाँ बस बस गंदी कटिंग नहीं की हूँ। क्या कर रही है? अच्छा अभी कटिंग नहीं हुई है। अभी कटिंग नहीं हुआ है तो मेरी आंखों का बेहालो हल हो गया, बुरा हाल हो गया। कहाँ है मेरा शोहर? बुलाओ उसको बताओ उसकी बीवी पे जुल्म किया जा रहा है यार। अल्लाह क्या बनाई है मुझे, इधर रोना आ रहा है बाजी। वैसे सही है, ज्यादा नहीं करी है। हाँ ज्यादा नहीं करी है, सही है। लगता है आपको ना मेरी अच्छी वाली शक्ल अच्छी नहीं लग रही थी। वो मुझे मास्क लगा के मेरी खूबसूरत चेहरे को छुपा के मुझे डिस्को डिस्को बना दी इन्होंने। अभी मुझे लग रहा है मैं किसी चीज़ के अंदर कैद हो गई हूँ। एलईडी थेरेपी। अरे मुझे ये देख के क्रिश मूवी याद आ गई मेरी बेटी भी परेशान हो गई अपनी मामा को देख के। मेरी मामा को क्या हो गया? क्या हो गया बेटा? नहीं नहीं मेरे लोग सब्सक्राइबर्स अच्छे 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 कमेंट्स करेंगे। अब बारी है पेडीक्योर की। वैसे ये समय ना मुझे बहुत ज्यादा सुकून मिला है कि वैसे ये हेयर रिलैक्सिंग के लिए गरम गरम पानी और दिल कर ऐसे पांव रख के बैठी रहूं और यहीं पर सो जाऊं। नल भी लगा हुआ। हुमाबाद जी को मेरे हाथ इतने पसंद आ गए कि वो छोड़ ही नहीं रही है। वाह बेटा बहुत शोर आ गया आपका वीडियो में। इनको मेरे हाथ इतने पसंद आ गए, करी जा रही है छोड़ ही नहीं रही है मेरे हाथ। ये लड़की इतनी गुदगुदी लगा रही है मुझे, हंस हंस करके मेरा बुरा हाल हो जाएगा। उफ तो यार हुमाबाद जी बोल रही है हंसो नहीं तुम दोनों, जब से काम करो। अरे वाह अब मेरा पूरा आपने मुझे सॉरी वो उतार दिया। मुझे बहुत ज्यादा रिलैक्सिंग लग रहा है यार, बहुत ज्यादा स्किन शाइन भी कर रही है मेरी। अभी से मुझे फील हो रहा है वाह मामा जी आप छा गए यार। मामा जी छा गए। ये क्या नाम है तुम्हारा? हिबा। हिबा मुझे बैठ के देख रही है और ये मुझे कब से एक ही कॉम्प्लीमेंट दे रही है कि आप बहुत मजाक कर रही है और अभी भी मुझे देख देख के हंस रही है यार। मुझे सच में अभी बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा है और अभी मेरा बिल्कुल दिल कर रहा है कि ये जल्दी जल्दी मेरा सब काम निपटाएं और मैं घर जाकर सुकून से सो जाऊं और बस कॉम्प्लीमेंट मुझे चाहिए वो जाहिर से कि हाँ उसकी बीवी कैसी लग रही है। एंड दिस इज माय फाइनल लुक। अभी इसमें मेरे बालों का लुक नहीं है कि जो बालों का ये मुझे कल करेंगे। ये थक चुकी है अभी बिल्कुल। इन्होंने बोला कि अब ना रानी तुम मेरी जान छोड़ दो, अब तुम्हारा मैंने स्किन का कर दिया है, अब तुम घर जाओ कल आना यार। लेकिन सच मेरी स्किन बहुत ग्लो कर रही है, मुझे कैमरे में भी फील हो रहा है। आप लोग मेरी बिफोर की वीडियो और अभी आफ्टर की वीडियो अटैच करके देख लीजिएगा। और अभी जाती हूँ घर बाजी, कल दोबारा आऊँगी आपका सर खाने के लिए। तो अभी तक के लिए इन्हें बोलती हूँ अल्लाह हाफिज़। कल दोबारा आती हूँ यहाँ पर और करवाती हूँ हेयर एक्सटेंसो प्लस प्रोटीन वॉश एंड थर्ड डे वॉश है ना। ये तीन चीज़ है जो मैं कल करवानी है। थर्ड डे वॉश तो कल नहीं हो सकता, वो थर्ड डे ही होगा। बाकी दो चीज़ों के लिए आती हूँ। मुझे अभी बैठे बैठे एहसास हुआ यार जब मैं ये वाला व्लॉग एडिट कर रही थी कि मेरा आज का पूरा दिन तो पार्लर में ही निकल गया यार। पूरा व्लॉग पार्लर से स्टार्ट हुआ, पार्लर पे ख़त्म हो रहा है यार। मतलब आज मैंने अपना पूरा टाइम वहीं दे दिया। नहीं याद आ गया घर आने का आपको? याद आ गया कि घर है आपका, कोई घर बार भी है, इकलौता घर है आपका जहाँ आपको जाना, जहाँ की आपकी इकलौती बीवी आपका इंतजार कर रही है। सेम टू यू का बच्चा। अच्छा चलो कुछ खाने का ले आए तो चलो तुमको माफ कर देती हूँ यार। जाओ हाँ देखो तो न्यू मोबाइल फौरन से जेब से निकला है। लोगों की शशके तो देख लो, फौरन से न्यू मोबाइल जेब से निकाल के रखा है। यार तुम कोई रिएक्शन नहीं दोगे? क्या रिएक्शन दूँ मुझे देखकर? क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। जाओ यार तुम जाओ। उजैर ने देखकर बोल दिया कि हाँ मेरे फेस पे ग्लो आ रहा है, मेरे हाथ पाँव मतलब साफ हो गए हैं। तो मतलब उनका हुमाबाजी का किया हुआ काम बिल्कुल कामयाब हो गया, 100% तक कामयाब हो गया। मेरी बेटी पीछे आके सो गई है, वो थक गई थी बहुत ज़्यादा तो वो सो चुकी हैं।
और अब मैं भी सोने जा रही हूँ, मुझे भी कल दोबारा जाना है पॉलर हेयर एक्सटेंशन करवाने के लिए, तो मुझे उसके लिए भी रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी 2 दिन तक मतलब मैं उन्हें तंग करने वाली हूँ मज़ीद। और उम्मीद है आप लोगों को घुमाबाजी का काम और मेरी मस्तियाँ दोनों पसंद आई होंगी उन्हें, आज वैसे मैंने बहुत तंग किया है, दोनों चीज़ पसंद आई होगी। कल मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ। यार मैं इतना अटक क्यों रही हूँ, असल में मेरी आंखों में भरी हुई है नींद और मुझे वीडियो एंड करनी है, इसीलिए कल मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।